Hi guys, it's me Ria and welcome back to my channel. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ some very beautiful festive appropriate kurtas and all of these kurtas are by the brand called Fashor. So Fashor, if you do not know, is an amazing website for ethnic wear and इनके collection इतनी ज़्यादा unique होती है, very very unique collection जो आपको और कोई भी website पे नहीं दिखेगा, ठीक है? And also if you want to buy any of these kurtas which I'm showing in today's collection or for that matter आपको कोई भी और कुर्ताज पसंद आता है फैशन की वेबसाइट से, देन यू कैन गेट इट एट अ फ्लैट 5% डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कूपन कोड व्हिच इज मेंशन्ड राइट हियर. ठीक है, सो या नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द हॉल. सो जो सबसे पहला कुर्ता है, दिस इज इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ऑलमोस्ट लाइक अ टीलिश एक्वा कलर. ठीक है, एंड दिस कम्स इन रेयॉन मटेरियल. ठीक है, तो इस तरीके का आपको ये कुर्ता सेट रेयॉन कुर्ता मिल जाएगा रेयॉन मटेरियल में. इस तरीके की यहाँ पे राउंड नेक आपको मिल जाएगी एंड जो पूरा ही योग सेक्शन है, लाइक यू कैन सी यहाँ पे पूरा ही एम्ब्रॉयडरी का काम आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से गोल्डन थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वेंस का काम है. सो इस तरीके से आपको पूरे ही कुर्ते में द योग सेक्शन में इस तरीके का आपको एम्ब्रॉयडरी का काम मिल जाएगा. एंड अदरवाइज जो ये फैब्रिक है, इट इज़ अ प्रिंटेड फैब्रिक. ठीक है, वेरी कंफर्टेबल सॉफ्ट रेयॉन मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस. सो इस तरीके का आपको ये यू नो प्रिंटेड फैब्रिक मिल जाएगा जिसमें गोल्डन फॉल प्रिंट भी यहाँ पे बीच बीच में इस तरीके से दे रखा है. स्लीव्स इसकी आ जाएगी 3/4 और स्लीव्स के एंड में भी आपको सीक्वेंस का काम, गोल्डन थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी आगे पीछे. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द कुर्ताज लेंथ. सो दिस इज स्टैंडर्ड लेंथ कुर्ता, स्ट्रेट फिट है. ठीक है, इस तरीके का आपको पूरा ही कुर्ता मिल जाएगा, प्रिंटेड कुर्ता मिल जाएगा. एंड इसके बॉटम में अगेन दे हैव गिवन एम्ब्रॉयडरी वर्क एट द बॉटम, सिर्फ आगे की तरफ इस तरीके का बॉटम में मिल जाएगा आपको वर्क. एंड पीछे की तरफ अगेन इट्स अ फुली प्रिंटेड कुर्ता, बहुत ही ज़्यादा एकदम ही परफेक्ट फेस्टिव वेयर है. ठीक है, सो या गाइस, दिस वाज द फर्स्ट कुर्ता एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन मी. द सेकंड कुर्ता इज द वन दैट आई एम करेंटली वेयरिंग. तो ये आपको शिफॉन मटेरियल में मिल जाएगा एंड दिस इज लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल डार्क फ्यूशिया पिंक कलर, लाइक यू कैन सी, एंड इट्स अ सुपर सुपर प्रिटी कुर्ता गाइस. शिफॉन मटेरियल है बट स्टिल इट इज़ वेरी कंफर्टेबल बिकॉज अंदर की तरफ वो लोग ने इस तरीके का कॉटन का अस्तर दे रखा है. ठीक है, तो उसके वजह से ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है एंड इन फैक्ट इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना अंदर का अस्तर थोड़ा सा अगेन पॉलिएस्टर मटेरियल में दूसरी ब्रांड्स में मिल जाता है, बट विद फैशोर यू नो दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ द कंफर्ट एज वेल. सो अंदर वो लोग ने बहुत ही सॉफ्ट एकदम मलमल कॉटन का लाइनिंग दिया हुआ है विच मेक्स वेयरिंग दिस यू नो कुर्ता रियली रियली वेरी कंफर्टेबल. तो इस तरीके का आप देख सकते हैं यहाँ पे यू नो गोटापत्ती का लेस यहाँ पे दे रखा है एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइक गोल्डन थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी पूरे ही नेक में इस तरीके से. ठीक है, एंड ओवरऑल कुर्ते पे भी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं छोटे से गोटापति के फ्लावर्स बने हुए हैं, उसी तरीके का आपको मिल जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू द स्लीव्स. तो स्लीव्स इज 3/4 लाइक यू कैन सी, एंड में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं गोटापति का काम दे रखा है एंड स्लीव्स के अंदर अस्तर नहीं है. ठीक है, बट अदरवाइज द ओवरऑल कुर्ता इज रियली नाइस. तो इसके नीचे अगेन यू नो इफ यू वेयर अ वाइट प्लाजो पैंट इट विल लुक रियली रियली प्रिटी, एंड अगेन इफ यू वॉन्ट टू लाइक यू नो वेयर इट फॉर अ वेडिंग फंक्शन इसको और थोड़ा सा आप ग्लैम अप कर सकते हो बाई वेयरिंग लाइक यू नो अ गोल्डन स्कर्ट एंड अ गोल्डन दुपट्टा. ठीक है, so yeah guys, this was the next outfit and this is how it looks like on me. The third kurta is a very beautiful and comfortable cotton material mein kurta. theek hai, so iska bhi color mujhe bahut zyada acha laga, perfect like summer color hai, light lavender color hai. theek hai, so is tarike ka aapko cotton material mein kurta mil jayega. neck jaise ki aap dekh sakte hai राउंड नेक है और इधर बीच में से एक छोटा सा वी दे रखा है एंड नेक की एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं एकदम ही लाइक यू नो लाइट गोल्डन कलर, वाइट कलर एंड छो लाइक स्मॉल स्मॉल लाइक फॉक्स मिरर का वर्क यहाँ पे दे रखा है. नाउ कमिंग ऑन टू द स्लीव्स, अगेन यू विल गेट 3/4 स्लीव्स आगे पीछे, लाइक फुल फैब्रिक ही इसी तरीके का प्रिंटेड है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गोटापति का लेस दे रखा है. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस कैजुअल वेयर, या फिर यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक विजिट एनी रिलेटिव तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यू नो अमेजिंग लगेगा. सो इस तरीके का आपको जिगजैग पैटर्न पूरे ही
कुर्ते में टॉप टू बॉटम मिल जाएगा। पीछे की तरफ भी इसी तरीके का प्रिंट है। अगेन बिकॉज इट हैज़ वाइट इन इट, ऑब्वियसली वाइट के साथ यू नो बॉटम, वाइट बॉटम्स के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लासी दिखेगा ये। सो या गाइस, दिस वाज द नेक्स्ट कुर्ता एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन मी। द नेक्स्ट कुर्ता इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बांधनी प्रिंटेड कुर्ता इन अ वेरी ब्यूटिफुल रिच लाइक रेड कलर। ठीक है, सो इसमें आपको रेयन मटेरियल है, फैब्रिक इसकी रेयन की है एंड राउंड नेक आ जाएगा। एंड इसका नेक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गोल्डन थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी इस तरीके से आपको योक सेक्शन में मिल जाएगी। सेंटर में छोटे से बटन्स भी दे रखे हैं इस तरीके का, एंड इसमें सीक्वेंस का भी बीच बीच में काम दे रखा है। ठीक है, एंड ओवरऑल ये पूरा ही कुर्ता इसी तरीके की बांधनी के प्रिंट में आपको मिल जाएगा। स्लीव्स अगेन 3/4 स्लीव्स, यहाँ पे गोटापत्ती का लेस है, आगे पीछे इस तरीके का है, एंड दिस इज हाउ द कुर्ता लुक्स लाइक। वेरी वेरी ब्यूटिफुल फेस्टिव अप्रोप्रिएट कुर्ता। इसको भी कॉन्ट्रास्ट में लाइक गोल्डन स्कर्ट, ऐसा एक यू नो गोल्डन स्कर्ट बहुत स्टैंडर्ड है जो सारे ही आउटफिट सारे ही कलर्स पे बहुत अच्छे से यू नो इट जस्ट मेक्स द एंटायर आउटफिट लुक सो मच मोर रिच, राइट। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वो कॉम्बिनेशन में गोल्डन स्कर्ट गोल्डन दुपट्टे के साथ। एंड ऑब्वियसली अगर आपको उतना ज़्यादा यू नो हैवी लुक नहीं करना है तो प्लाजोज के साथ आप इसको पहन सकते हो। सो या गाइस, दिस वाज द नेक्स्ट कुर्ता एंड दिस वाज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन मी। कुर्ता इज इन अ वेरी ब्यूटिफुल मस्टर्ड कलर, अगेन ये रेयन फैब्रिक में आपको मिल जाएगा। एंड इसका जो नेक है हल्का सा ऐसे आप बोट नेक जो बोलते हैं ना, इस तरीके का नेक वैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसका नेक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ पीकॉक। ओके, सो इस तरीके का यहाँ पे पीकॉक बनाया हुआ है ना, ऐसा फीलिंग आता है कि ये पीकॉक ने अपने लाइक यू नो पंख खोले हुए हैं। सो इस तरीके का कुछ एम्ब्रॉयडरी आपको नेक में मिल जाएगा। ठीक है, राउंड नेक आपको इसमें मिल जाएगा, एंड इसमें भी आपको बांधनी प्रिंट ही दिया हुआ है। ओवरऑल फैब्रिक इसी तरीके के बांधनी प्रिंट में आपको मिल जाएगा। स्लीव्स अगेन 3/4 है, स्लीव्स के एंड नहीं होते हुए यहाँ पे थोड़े से ऊपर यहाँ पे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ लेस वर्क राइट हियर बोथ आगे और पीछे। इस तरीके का आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रेट फिट कुर्ता मिल जाएगा। या गाइस, दिस वाज द नेक्स्ट कुर्ता एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन मी। नाउ द नेक्स्ट कुर्ता इज इन अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर, मतलब लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ये भी आपको रेयन मटेरियल में मिल जाएगा। सो दिस इज़ वॉट द कुर्ता लुक्स लाइक। ओके, सो इसमें भी आप जैसे कि देख सकते हैं राउंड नेक है और यहाँ पे बीच में एक स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, एंड अदरवाइज ये जो योक पार्ट है आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल लाइक ऑलमोस्ट लाइक वाइट कलर की थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है विथ फॉक्स मिरर का काम, जो एक बहुत अच्छा सा शाइन दे रहा है आपके यू नो योक पार्ट में। एंड सेंटर में लाइक यू कैन सी बटन्स भी दे रखे हैं। अगेन इसका जो फैब्रिक है एंटायरली प्रिंटेड है, ऑलमोस्ट लाइक यू नो वो लाइन लाइंस की आई थिंक उसको लहरिया प्रिंट बोलते हैं, तो उस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड सेंटर में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्डन फॉइल प्रिंट भी दे रखा है। सो दिस इज़ द फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, 3/4 स्लीव्स, एंड अगेन दिस इज़ लाइक अ स्ट्रेट फिट कुर्ता। देखिए इस तरीके का पूरे ही कुर्ते पे आपको गोल्डन फॉइल प्रिंट की छोटी छोटी डिज़ाइंस दिखेगी, एंड पीछे भी सेम है इस तरीके का। सो या गाइस, दिस वाज द नेक्स्ट कुर्ता एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन मी। द नेक्स्ट कुर्ता इज दिस वेरी ब्यूटीफुल पीकॉक ग्रीन कलर का कुर्ता, और ये आपको कॉटन मटेरियल में मिल जाएगा, प्योर कॉटन मटेरियल में। सो इसमें आप देख सकते हैं सेल्फ वीविंग का फैब्रिक है। ठीक है, सो इस तरीके का आपको लाइंस लाइंस वाली फैब्रिक सेल्फ वीविंग की फैब्रिक मिल जाएगी, एंड वेरी ब्यूटिफुल पीकॉक ग्रीन कलर। नेक इसमें आप देख सकते हैं राउंड नेक है, एंड सेंटर में छोटा सा वी है, एंड योक में आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल सी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, साइड पे गोटापत्ती का लेस है, बीच में फॉक्स मिरर का वर्क है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ द योक पार्ट, एंड इसका स्लीव्स अगेन 3/4 है विद गोटापत्ती का लेस आगे और पीछे, एंड अगेन दिस इज़ लाइक अ स्ट्रेट फिट कुर्ता। वेरी नाइस कैजुअल, एट द सेम टाइम आपको जैसे कि मैंने बताया आर्म अप करना है, तो यू नो इफ़ यू वेयर अ स्कर्ट इट विल लुक रियली रियली प्रिटी। ठीक है, सो या गाइस, दिस इज़ द कुर्ता एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक ऑन मी। एंड नाउ फाइनली कमिंग ऑन टू द लास्ट कुर्ता। सो ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल अनारकली कुर्ता है इन अ वेरी ब्यूटिफुल लाइट बेबी पिंक कलर, एंड ये रेयन फैब्रिक में आपको मिल जाएगा राउंड नेक के साथ, एंड
योक पार्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैच वर्क दिया हुआ है, ठीक है। सो ये जो आपका फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरीके का आपको पैच मिल जाएगा, जिस पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिंक कलर, वाइट कलर एंड सिल्वर कलर की थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी आपको इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। एंड फैब्रिक अदरवाइज इज़ फुली प्रिंटेड, इस तरीके का वाइट आपको प्रिंट आ जाएगा पूरे ही फैब्रिक पे। स्लीव्स अगेन इसकी आपको 3/4 मिल जाएगी, स्लीव्स के एंड में लेस है आगे पीछे। नाउ बिकॉज दिस इज़ एन अनारकली कुर्ता, वेस्ट के एरिया से आपको इस तरीके की प्लीट्स मिल जाएगी। सो इस तरीके की बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लीट्स मिल जाएगी आगे पीछे। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा अनारकली कुर्ता है, लेट मी शो यू दिस वे, राइट। सो इस तरीके का टॉप टू बॉटम ये कुर्ता मिल जाएगा। एंड बॉटम में अगेन जो आपको नेक में दिया हुआ है पैटर्न, उसी तरीके का एम्ब्रॉयडरी आपको फैब्रिक पे मिल जाएगी विद दिस वाइट लेस एट द बॉटम, इस तरीके का लेस। So yeah guys, this was the last kurta and this is how it looks like on me. So yeah guys, those were all the kurtas that I recently purchased from the brand Fashore. And jitne bhi kurtes hai, sabhi ke direct links maine aapko niche description box mein de diya hai. And in case if you like any of these kurtas, then you can get it at a flat 5% discount by using my coupon code which is mentioned right here. So yeah, that's it for today's video guys. I will see you soon in my next video. Until then, bye-bye.